वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन करने से लागत में कमी तो आती ही है, साथ ही बकरियों में मृत्यु दर कम होने से लाभ भी अधिक होता है। बकरी पालन में वैज्ञानिक विधि से प्रबंध आवश्यक है और इसके लिए प्रबंध की बारीकियों को समझना भी। इस बकरी पालन के तीन घटक हैं। पहला है स्थल का चुनाव, अर्थात कैसे जगह पर बकरी पालन किया जाए। बकरियां नमी रहित वातावरण पसंद करती हैं, अर्थात अगर नमी युक्त वातावरण में उन्हें रखेंगे तो उनकी उत्पादकता काफ़ी प्रभावित होती है, बुरी तरह प्रभावित होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए स्थल का चुनाव कैसा होना चाहिए, यह ऊंची ज़मीन पर होनी चाहिए, उसके आसपास किसी तरह का पानी लगा हुआ क्षेत्र नहीं रहना चाहिए, जल जमाव वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, और उसकी मिट्टी जो होनी चाहिए फार्म की जहाँ बकरी पालन कर रहे हैं वो बलुई या दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ताकि जो उनके मलमूत्र हो उसको अच्छी तरह से अवशोषित कर ले ज़मीन हमारा, क्योंकि नमी अगर रहेगी वातावरण में या उसके स्थल पे, ज़मीन पे, भूमि पे, फार्म में, तो इससे बकरियों का वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और कई तरह का उसमें बीमारियाँ आती हैं। दूसरा मुख्य घटक इसका है नस्ल का चुनाव, कौन से नस्ल से शुरू करें। तो अगर बिहार की बात करें और उसके आसपास के इलाके की बात करें तो यहाँ की जो हमारा पर्यावरणीय कंडीशन है ये ब्लैक बंगाल का अनुशंसा करते हैं हम वैज्ञानिक करते हैं कि आप अगर बकरी पालन शुरू कर रहे हैं तो ब्लैक बंगाल नस्ल से शुरू करें। ब्लैक बंगाल एक ऐसी नस्ल है जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बहुत अच्छे से पल भर रही है और यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रच बस गई है और ये अमूमन 8 से 9 महीने में 10 से 12 किलो औसतन वजन की हो जाती है। इसमें बीमारी भी कम लगती है क्योंकि यहाँ का वातावरण इसके लिए काफ़ी सूट करता है, ये रोग प्रतिरोधी नस्ल है, तो औसत वजन के होने के बावजूद भी यह अच्छा मुनाफा देती है। सबसे बड़ी खासियत इस ब्लैक बंगाल नस्ल की ये है कि औसतन साल में आप इससे 3 से 4 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, तो अच्छे आमदनी होता है। दूसरा नस्ल इसके बाद अगर आप अनुभव ले लेते हैं और कर लेते हैं तो बारबेरी, बीटल और सिरोही, ये 2-3 नस्ल ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। ये उच्च गुणवत्ता वाली नस्लें हैं, दुग्ध उत्पादन की बात करें या फिर मांस उत्पादन की बात करें, बारबेरी, बीटल, सिरोही, ये तीनों नस्ल भी हमारे बिहार और इसके समीपवर्ती इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की बात करें तो उसमें ये सारी नस्लें अनुशंसित की जाती हैं। औसतन वजन इनका 25 से 35 किलोग्राम तक होता है, इनमें दूध की मात्रा 1 किलो से लेकर 5 किलोग्राम तक प्राप्त कर सकते हैं प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से। तो बकरी को यही कारण था कि गरीबों की गाय कही गई है, तो इन नस्ल को पाल करके आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो बकरी पालन का अंतिम मुख्य आयाम ये है कि उनका आवास प्रबंधन, आवास प्रबंधन में घर उनका ऐसा बनना चाहिए ताकि हवादार हो, पूरा पश्चिम रुख का होना चाहिए बकरियों का, सीधी सूरज की रोशनी ना पाए, और गर्मी की बात करें तो, जाड़ा की बात करें तो सर्द हवाएं उनके अंदर आनी नहीं चाहिए। अगर आप 100 बकरी का फार्म बना रहे हैं तो उसके लिए 60 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा, अर्थात लगभग 1200 वर्ग फीट स्थान चाहिए 90 से 100 बकरियों को पालने के लिए, और लगभग इसका 2 गुना स्थान चाहिए खुला, अर्थात वहाँ बकरियाँ मूवमेंट कर सकें, घूम सकें। पालने के लिए उनकी 3 पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। पहला, आप खूंटे पर बांध कर खिलाते हैं तो बांधने के अलावे 2-2.5 उसके 2 गुना स्थान चाहिए चरने और घूमने के लिए। दूसरा होता है चरा कर पालना, इसे आप अगर आप पहाड़ी इलाका में हैं, तराई इलाका में रहते हैं या फिर नदी के किनारे का आपका घर द्वार है तो आप चरा कर बकरियों को पाल सकते हैं। और तीसरी जो सर्वोत्तम पद्धति है और हमारे बिहार और इसके इलाके में या जो बड़े फार्म हाउस वहाँ रहे हैं वो करते हैं, वो है कि खूंटा पर और चरा कर दोनों, अर्थात सेमी इंटेंसिव कंडीशन बोला जाता है, जिसमें कि आप बांध कर कुछ देर रखिए और कुछ देर चरा कर रखिए। चराने से, चराई से उनकी स्वास्थ्य वृद्धि होती है। बकरियों को जो भोजन आप देते हैं उसमें ख्याल रखें, हरा चारा या सूखा चारा, बकरियां साफ सफाई पसंद पशु हैं इसलिए उन्हें हैंगिंग पोजिशन में टांग कर खिलाइए, मुट्ठा बंडल बना करके किसी खूंटा में टांग दीजिए, उनके गर्दन से थोड़ा सा 1 फीट ऊंचे स्थान तक वो होना चाहिए और तब वो बकरियां खाएंगी, इससे चारा बर्बाद भी नहीं होगा और अच्छा भी होगा। स्वच्छ ताजे पानी की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करें। इन 3-4 चीज़ों की अगर सही सही वैज्ञानिक विधि जो हम अनुशंसा करते हैं वो अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर ये व्यवसाय में आप फायदा कमाएंगे और काफ़ी आप इससे लाभ अर्जित कर सकते हैं। गरीब परिवार अगर आप हैं, महादलित समुदाय से आते हैं या फिर भूमिहीन या सीमांत किसान हैं,
आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप अपने जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी से या फिर जो खंड पशुपालन पदाधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। कई प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। आपके जिला में आत्मा काम कर रही है अर्थात कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, उनके यहाँ अगर आप बेरोजगार हैं और इसको अधिक बड़े पर करना चाहते हैं तो आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो आपको मदद करेंगे। आप इसका ग्रुप बनाइए, आपको उन्हें प्रशिक्षण के रूप के लिए आप में बकरी पालन के लिए बकरी के नस्ल बकरी के बच्चे देते हैं उसके लिए कई तरह की चीज़ें दी जाती हैं। तो आप अपने जिला के आत्मा के परियोजना निदेशक से संपर्क करके पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क करके आप इसमें कई तरह के अनुदान के बारे में प्राप्त कर सकते हैं और इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।